नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने भारत में बने पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत को चालू किया। राज्य शासन ने की नवगठित जिलों में कलेक्टरों की नियुक्ति। रायपुर में एक बार फिर दिखेगा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का रोमांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत को चालू किया। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को विश्व क्षितिज पर भारत की बढ़ती आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज यहाँ केरल के तट पर हर भारतीय एक नए भविष्य के उदय का गवाह बन रहा है। INS विक्रांत पर आयोजित यह कार्यक्रम विश्व क्षितिज पर भारत के बढ़ते हौसले को श्रद्धांजलि है। विक्रांत बहुत खास और बड़ा है। विक्रांत सिर्फ एक पोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत की कड़ी मेहनत, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारतीय नौसेना के इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के तहत यह सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। विक्रांत को अत्याधुनिक ऑटोमेशन सुविधाओं के साथ बनाया गया है और भारत के समुद्री इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। INS विक्रांत के चालू होने के साथ भारत के पास अब दो परिचालन विमान वाहक हैं, जो देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करते हैं। विक्रांत के निर्माण के साथ भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया है जिसके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहक पोत का डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है। जहाज में 2300 से अधिक डिब्बे हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के दलों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए विशेष कैबिन भी शामिल है। विक्रांत की शीर्ष गति लगभग 28 समुद्री मील और लगभग 7500 समुद्री मील की सहन शक्ति के साथ 18 समुद्री मील की परिभ्रमण गति है। विमान वाहक पोत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। इसकी नींव 2009 में रखी गई थी। नवगठित मोहला मानपुर अंबागढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 29वें जिले के रूप में भव्य समारोह में शुभारंभ करेंगे। जिले के उद्घाटन के ठीक एक दिन पहले गुरुवार को सरकार ने वहां कलेक्टर की पद स्थापना कर दी है। 2014 बैच के IAS एस जयवर्धन वहां के पहले कलेक्टर होंगे। योदुवल्ली अक्षय कुमार पहले SP होंगे। इसके साथ ही दो और नए जिलों में भी कलेक्टरों की पद स्थापना कर दी गई है, जिसमें खैरागढ़, छुई खदान, गंडई के कलेक्टर जगदीश थोनकर, पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा होंगे। साथ ही सारंगढ़, बिलाईगढ़ के कलेक्टर डी राहुल वेंकट, पुलिस अधीक्षक के रूप में राजेश कुकरेजा को जिले की जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में सीजन 2 के तहत रायपुर में एक बार फिर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग सहित कई दिग्गज क्रिकेटरों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमी इस टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साहित है। इस टूर्नामेंट के मैच 10 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक रायपुर के अलावा कानपुर, इंदौर और देहरादून में भी खेली जाएंगी। कानपुर उद्घाटन मुकाबले की मेजबानी करेगा, साथ ही रायपुर में दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जाएंगे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मौजूदा चैंपियन इंडियन लेजेंड्स का नेतृत्व करेंगे। इस संस्करण में न्यूजीलैंड लेजेंड्स एक नई टीम है और वो देश और विश्व भर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मुख्य रूप से खेले जाने वाले 22 दिवसीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और इंग्लैंड के लेजेंड्स भी शामिल होंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।